तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या है। गाइस हमारे पास यहाँ पे है फैंटम ओरायन। तो गाइस फैंटम ओरायन हम खोलने वाले हैं और यूज्ड फैंटम ओरायन मेरे पास काफी सारे हैं, तो मैंने सोचा एक नया खोलते हैं गाइस। और नए में क्या होता है ना, बीडी एकदम फ्रेश होता है तो उसका स्टेमिना भी अच्छा होता है। बहुत लोग गाइस पहले कंप्लेन कर रहे थे कि आपका फैंटम ओरायन का स्टेमिना नहीं अच्छा है ऑल दैट। तो भाई जो चीजें पुरानी हो जाती है उनका स्टेमिना डिक्रीज हो जाता है। इवन मैं ये भी अगर खोल के काफी यूज करूं तो इसका भी स्टेमिना डिग्रेड हो जाएगा, उसमें कोई डाउट वाली बात देखो है नहीं। तो यस गाइस, इस फैंटम ओरायन को हम ओपन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसा परफॉर्म करेगा ये, और चलो देखते हैं कैसा होता है। तो इससे पहले हम इसको खोले, वही हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मारो फटाक से सब्सक्राइब, और गाइस लाइक शेयर का तो आप देख ही लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं। तो हाय गाइस, हमने अनबॉक्स कर लिया अपना फैंटम ओरायन और कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके साथ वही लॉन्चर रिपकॉर्ड वाला मिल जाता है जो हर एक बेबलेट के साथ मिलता है। एक कुछ गाइड टाइप की है, स्टिकर्स टाइप के हैं। तो गाइस एक फेसबोल्ट स्टिकर अभी के लिए मैंने सिर्फ लगा दिया है ताकि अच्छा दिखे, और ऐसे की टूल पे आप गाइस कोई भी वे रख के स्टैंड सा बना सकते हो। और गाइस ये देखिए, ये है इसका बियरिंग ड्राइव, और देखेंगे कैसा चलता है बियरिंग ड्राइव। स्टेडियम में एक दो बैटल करेंगे और पर्सनली अभी तो काफी मस्त लग रहा है फैंटम ओरायन। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के स्टेडियम ले आते हैं, इसका ट्रेस स्पिन टेस्ट बैटल वगैरह देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आई होप आप भी होगे, अगर हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बिना किसी देरी के लाते हैं स्टेडियम। तो हाय गाइस, अपना स्टेडियम सेटअप हो गया है और हम टेस्ट पिन और बैटल के लिए तैयार हैं। तो चलो पहले एक टेस्ट पिन हो जाए इसका फटाफट से। ये क्या गाइस, फैंटम ओरायन पता नहीं क्यों थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, हो सकता है स्टेडियम की वजह से हो, बड़े वाइब्रेशन जैसा कर रहा है। हाँ अभी सही आ गया, आई थिंक टेस्ट स्पिन ज़्यादा था स्पिन, तो अब स्पिन कम हुआ है तो थोड़ा सही आया। तो चलो गाइस अच्छी बात है, अब कुछ बेबलेट्स यहाँ पे ले आते हैं जिसके बैटल करेंगे फैंटम ओरायन का। तो यहाँ पे कुछ अपने पास 4D बेबलेट्स आ गए, 4D से करेंगे क्योंकि 4D काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है ऑब्वियसली। तो चलो देख लेते हैं 4D फैंटम ओरायन के अगेंस्ट कैसा करता है। पहले स्टार्ट करेंगे गाइस क्रीज किग्नस से, देखेंगे किग्नस को हरा पाएगा ओरायन या नहीं। और ओरायन स्टेमिना टाइप है तो मैं पहले उसी को लॉन्च कर दे रहा हूँ। अब बारी गाइस किग्नस की। वैसे क्रीज किग्नस ने डैमेज काफ़ी कर दिया फैंटम ओरायन को, लेकिन फिर भी गाइस फैंटम ओरायन जीत गया किसी तरह से। अब लाते हैं गाइस स्काइथ क्रोनोस, क्योंकि स्काइथ क्रोनोस काफ़ी अच्छा बैलेंस टाइप है और स्टेमिना भी काफ़ी तगड़ा रहता है क्रोनोस का। तो चलो देखते हैं ये क्या हो रहा है। नब्बारी गाइस क्रोनोस की। ये बनने वाला स्टेमिना बैटल ऑब्वियसली। देखते हैं गाइस कौन जीतेगा, मुझे लगता है ओरायन आसानी से हरा देगा इसको भी यार। लेकिन गाइस स्काइथ क्रोनोस काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहा है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आप बियरिंग ड्राइव से कहाँ ही जीत पाएगा बेचारा। देख लेते हैं गाइस क्या होता है, क्रोनोस अगर हरा देता है ना भाई मैं शॉक्ड होने वाला हूँ, क्योंकि लग रहा क्रोनोस हरा देगा। अरे भाई क्रोनोस ने हरा दिया भाई, और ये मिंट कंडीशन क्रोनोस एकदम ऑलमोस्ट न्यू के करीब। तो भाई क्रोनोस ने हरा दिया फैंटम ओरायन को, ये अजब गजब चीज़ हो गई। कोई नहीं गाइस फ्लैश के साथ करके देखते हैं। तो गाइस ये क्या फैंटम ओरायन, अब बारी है फ्लैश की। ओ भाई क्या अटैक दे रहा है गाइस फ्लैश, और लग रहा है गाइस फ्लैश भी हरा देगा फैंटम ओरायन को। यार फैंटम ओरायन से मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और हरा दिया। ये भाई गलत हो रहा है, अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मुझे लगा था यार फैंटम ओरायन अच्छा बेब्लेड है, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट उतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा है बट मज़ा नहीं आया यार।
आई नो कि फ्लैश हरा देता है फैंटम ओरायन को, बट फ्लैश तो चलो ठीक भी है, क्रोनोस से भी हार गया यार, वैरियर से खैर जीत गया है। अब गाइस ट्राई करेंगे कॉस्मिक पेगासस के अगेंस्ट, देखेंगे फैंटम ओरायन कॉस्मिक को हरा पाएगा कि नहीं। ये गया फैंटम ओरायन, ये गया गाइस कॉस्मिक। ओहो क्या अटैक था कॉस्मिक का यार ये। हाँ ये वाला विन काफी आसान था। तो गाइस ठीक किया फैंटम ओरायन ने, जो एक दो बैटल हार गया वो थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार जीतेगा। खैर कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। तो आप लोग अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, और अगर फैंटम ओरायन पे और वीडियोस देखने हैं तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को करो बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो यस गाइस मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।